अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अमरीका के अहम खबरों के साथ मैं हूं संदीप तुफैल और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टीवी। सबसे पहले हेडलाइन, अमरीका में इसराइली कौंसलेट के बाहर एहतजाज करते हुए एक शख्स ने खुद को आग लगा ली। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ये वाकया अमरीकी शहर अटलांटा में कायम इसराइली कौंसलेट के बाहर पेश आया। आग बुझाते हुए सिक्योरिटी गार्ड भी जख्मी, मुतासरा शख्स की शिनाख्त ना हो सकी, अस्पताल में हालत तशवीशनाक। अमेरिका के शहर लॉस वेगस में फायरिंग, दो अफराद हलाक और तीन जख्मी हो गए। लॉस वेगस मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट के तर्जमान के मुताबिक एक नामालूम हमलावर गली में सोने वाले बेघर लोगों पर फायरिंग करके फरार हो गया। हमलावर कौन था, शिनाख्त के लिए पुलिस की कार्रवाई जारी। अमेरिकी कांग्रेस के रिपब्लिकन रुकन को झूठ बोलना महंगा पड़ गया। धोखाधही पर जॉर्ज संतोस को ईवान से निकाल दिया गया। बदनाम जॉर्ज संतोस को कांग्रेस से निकालने की करारदाद 114 के मुकाबले में 311 वोटों से मंजूर हुई। दफ्तर से नाम की तख्ती भी हटा दी गई। आप लोग अनऑफिशियली जानते हैं कि मैं रुकन कांग्रेस नहीं रहा। अब चूंकि मैं रुकन नहीं रहा तो अब लोगों के एक भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। जो संतोष का मीडिया से बात करने से इनका, संतोष का ताल्लुक न्यूयॉर्क के इलाके कुंज से है। वो एवान से निकलने वाले छठे रुकन कांग्रेस हैं। दुनिया भर में रॉ की दहशतगर्दाना सरगर्मियां बेनकाब होने लगी। कनाडा के बाद अमेरिका में सिख रहनुमा के कत्ल की कोशिश मोदी सरकार के गले की हड्डी बन गई। अमेरिका ने रॉ के एजेंट का नेटवर्क बेनकाब कर दिया। अमेरिका का भारतीय सिफारतखाने और कौंसलेट से रॉ एजेंट्स को निकल जाने का हुक्म। इलामा इकबाल कम्युनिटी सेंटर के एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर्स का इजलास, चेयरमैन मलिक नासिर अवाद ने सदारत की। इजलास में कम्युनिटी सेंटर की महाना कारकर्दगी का जायजा। मुस्तकबिल करीब में न्यूयॉर्क कयाम पजीर पाकिस्तानी अमरीकन कम्युनिटी के ज़ेन दीनी समाजी इफलाही उमूर से मुतालिक मनसूबाबंदी पर तबादला ख्याल। और जिनसी इम्तियाज का इल्ज़ाम, ओरेगन यूनिवर्सिटी की एथलीट्स ने जामिया के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। तालिबात का कहना है कि उन्हें इंटर कॉलेजिएट एथलेटिक्स में हिस्सा लेने के लिए बराबरी की बुनियाद पर सहूलियात फराहम नहीं की गईं, जिसकी वजह से उनकी तैयारी नहीं हो सकी।